एक बहुत ही शॉकिंग खबर पता चल रही है दोस्तों इस वक्त की। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिग बॉस के बहुत ही लोकप्रिय चेहरे की अगर बात की जाए तो उनके घर पे मातम मनाया जा रहा है। जी हां, उनके घर पे एक संकट आन पड़ा है। मैं राहुल भोज आप लोगों को बताना चाहता हूं टेली खजाना के इस वीडियो में कि आखिरकार वो कंटेंडर कौन है और प्लस उनके घर में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं दोस्तों, तो बिग बॉस वो शो है, वो रियलिटी शो है जिसने कईयों का करियर बनाया, कईयों को एक अलग प्लेटफॉर्म दिया, पॉपुलैरिटी के मामले में कईयों ने जो है दिन रात एक कर दिया और बहुत ज्यादा आगे चले गए। अब बारी आती है दोस्तों तो बिग बॉस सीजन 1 के फर्स्ट रनर अप मिस्टर रवि किशन की। जी हां, भोजपुरी फिल्म सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और रवि किशन साहब की अगर बात करें तो उनके भ्राता जी, जी हां, उनके भ्राता जी को कैंसर था और वो दिल्ली एम्स में एडमिट थे। आपको बता दूं तो उन्होंने दम तोड़ दिया है, वो हमारे बीच में नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। आपको बता दो दोस्तों तो रवि किशन ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, भोजपुरी सिनेमा में बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, सांसद हैं वो। जी हां, और बिग बॉस के फर्स्ट रनर अप भी रह चुके हैं सीजन 1 के, जो कि अरशद वारसी ने होस्ट किया था। ऐसे में दर्शकों आप लोगों को क्या है कहना जरूर बताएं, आप लोग भी प्रे कीजिए और मैं भी दुआ करता हूं टेली खजाना मेरी राहुल भोज की तरफ से उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके भाई की आत्मा को शांति मिले और रवि किशन और उनके परिवार को इस दुख से लड़ने की ताकत मिले। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रवि किशन जी के लिए पिता के समान वो थे उनके बड़े भाई। चलता हूं, आप ख्याल रखें अपना।